हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेचर दर्पण। आज हम आपको जो ये प्लांट दिखा रहे हैं उस प्लांट को धतूरा का प्लांट कहते हैं। इस प्लांट में जो फूल होता है वो हमारे भगवान शिव जी का बहुत प्रिय फूल माना जाता है। शिव जी को ये फूल सारे लोग ज़रूर से ज़रूर चढ़ाते हैं। कितने लोग तो इसे अपने घर में भी लगाते हैं। हमारे भी गार्डन में देखिए ये पेड़, हम इसके बीज लगाए थे, बीज से ये प्लांट हमारा निकला है, जिसमें देखिए हम इसे आपको दिखाएंगे। छोटे से बड़े तक फूल की पूरी साइज दिखाएंगे। ये अभी छोटा ही फ्लावर खिला है। आप हमारी वीडियो लास्ट तक देखें, इसमें हम दिखाएंगे कि छोटा से बड़ा तक फूल कितने अच्छे कलर के हुए हैं। ये इसके कलर दो कलर में आती है ये फूल, एक सफ़ेद कलर की होती है, एक पर्पल कलर की। हमारे ये पर्पल कलर की है। इस प्लांट के सारे पत्ते डंठल जितने भी होते हैं सबको जहरीला माना जाता है, इसलिए ये प्लांट अधिकतर जंगलों में पाया जाता है। यह प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाती है। चाहे तो आप इसके बीज को लगा लें, चाहे इसके प्लांट को नर्सरी से, चाहे किसी भी जगह आप देखिए रास्ता में अधिकतर इसका प्लांट देखने को मिल जाता है। आप कहीं से भी ला के इसे लगा लें, यह बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, पर हाँ इसे धूप चाहिए, 5-6 घंटे की तो धूप इसे मिलनी। जब इसके फूल सूख जाती है तो इस तरह का फल तैयार हो जाता है, जो देखिए इस तरह देखने को मिलता है। और फिर ये सीड, इसके अंदर सीड तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इसके प्लांट को सीड के द्वारा ग्रो करें, चाहे तो आप इसी प्लांट ही कहीं से ला के लगा लें। इसके सीड सूख के ब्राउन कलर का होता है, तो आप समझिए कि इसमें सीड तैयार हो गया है। ये फूल देखिए कितनी दिखने में सुंदर लग रही है। पर्पल कलर बाहर से है, अंदर से व्हाइट कलर है। और हमारी ये प्लांट भी जो फूल हो रही है वो 3 लेयर वाली है, वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे। और ये फूल देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और साथ में सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारी इस प्लांट में देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हुई है। बस इसमें अभी हम अब कुछ नहीं डाल रहे हैं, बस वही गोबर की खाद डाल दिए हैं और मिट्टी तो वही अपनी गार्डन वाली मिट्टी है, बस उतना ही डाले और कुछ भी केयर नहीं कर रहे हैं। और फिर समय समय पर बस वही फर्टिलाइज़र डाल दिए। अभी इस समय में बनाना पील वाली फर्टिलाइज़र डाली हूँ। ओके बाय फ्रेंड।